अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी आनु, खुश आमदीद, वेलकम बैक। एंड दिस टाइम इट इज़ अ ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू। जी बिल्कुल, मैंने अपनी स्किन के लिए एक नया फेस वॉश ऑर्डर किया, उसको एक हफ़्ता यूज़ किया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। थोड़े से एक्ने हो रहे थे, वैसे मेरे पहले एक्ने थे लेकिन मैंने होम्योपैथिक भी इलाज कराया था तो वो सारे ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर भी मैं केयरफुल रहती हूँ। पहले मैं आपको पॉन्ड्स का रिव्यू भी दे चुकी हूँ और इससे पहले भी मैं एक डर्मा शाइन का ये फेस वॉश यूज़ कर चुकी हूँ जो बिल्कुल दी एंड हो चुका है, देख लें आप। ये भी मोस्ट रिकमेंडेड है, लेकिन इसका रिव्यू मैंने आपके लिए रिकॉर्ड नहीं किया। ये मैं पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, तो जब इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो मैंने देखा डर्मा शाइन के पेज पे उनका नया टी ट्री एक्ने फेस वॉश, तो ये मैंने यूज़ किया तो कैसा रहा और इसका रिज़ल्ट कैसा है, तो मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन से मिल जाए और आप देख के फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। इनकी अपनी ऑफिशियल एक वेबसाइट है लिपकारा, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। बहुत जल्दी इनका ऑर्डर आ गया था, बहुत ज़्यादा कोई वेट नहीं करना पड़ा। तो मैं आपको अगर इसका रिव्यू दे रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं दे रही, पहले मैंने अपने मुंह पे इसको यूज़ किया है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आइए खोल के देखते हैं अंदर से इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इट्स लाइक अ जेल, जैसे कोई एलोवेरा जेल होती है, ठीक है। जैसे पॉन्ड्स का तो और तरह का टेक्स्चर होता है फेस वॉश का, इसका और तरह का है, जेल लाइक। एंड बहुत ही थोड़ा सा लगता है और बहुत ज़्यादा झाग बनाता है। आइए मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। लेट्स अप्लाई इट। एक ड्रॉप फॉर वन वॉश इज़ मोर देन इनफ। यस, देखें थोड़ा सा पानी लगाया और कितनी ज़्यादा झाग बन गई। अच्छा, ये बिल्कुल भी चिपचिप और चिपकू किस्म का फेस वॉश नहीं है। जैसे मुझे सूट नहीं करता, मैं डव का सोप यूज़ करती हूँ तो वो इतना क्रीमी होता है कि चेहरे से उतरता ही नहीं है, मुंह धोने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे साबुन अभी तक मुंह पर ही लगा हुआ है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत ही फोमी है, मुंह धो के एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा एहसास आता है और बहुत ही आराम से फेस से, नेक से, हाथों से रिमूव हो जाता है। अच्छा, जैसे ही आप फेस धोएंगे आपको कोई खुरदरापन महसूस नहीं होगा। जैसे कुछ हार्ड सोप्स या फेस वॉश यूज़ करने के बाद लगता है स्किन बहुत खुरदरी हो गई है, हार्ड हो गई है, ड्राई हो गई है, इसका बिल्कुल भी कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। मैं आपको टॉवल ड्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा, टॉवल ड्राई के बाद आपको इसकी सही लुक पता चलेगी। तो वैसे ये है 390 का, लेकिन मैंने लिपकारा से सेल में मंगवाया तो ये मुझे 331 रुपीज़ का मिला। देखें जी, टॉवल ड्राई करने के बाद स्किन सॉफ्ट है, कोई ड्राइनेस नहीं है, यू कैन यूज़ इट। और हाँ, मेरे जो थोड़े बहुत एक्ने मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम आ रही है, वो भी एक हफ्ते में रिमूव हो गई, दाने बैठ गए, मतलब कोई ऐसे बड़े दाने नहीं थे लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, मैं साथ आपको एक अपडेट भी दे दूँ, इनकी पाकिस्तान डे सेल भी आजकल चल रही है, 15% ऑफ पे डर्मा शाइन की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। आप डर्मा शाइन का फेसबुक पेज विज़िट करें, ऑर्डर करें। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में बोला दिस और दैट, तो मेरी तरफ से बोथ। यस, मैंने डर्मा शाइन का ये जो पहला वाला फेस वॉश यूज़ किया है ये भी ऑसम है, और अब मैं टी ट्री वाला यूज़ कर रही हूँ तो वो भी ज़बरदस्त है। तो दिस इज़ माय रिव्यू, आप यूज़ करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसा रहा आपका रिव्यू। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, रब राखा। और प्लीज़ मेरी ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वॉच दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।